वेरी गुड आफ्टरनून। तो मैं किचन में हूँ और मेरा खाना पीना तो सब बन गया है। बस बच्चे हैं ना कि आप उसको जो खिलाओगे ना वो बिल्कुल खाना नहीं चाहते। तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा मखाने को घी में फ्राई करके ना उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल देती हूँ। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर खिलाइए। बहुत बहुत हेल्दी होता है ये, बड़ों के लिए भी होता है और छोटों के लिए भी। तो एक माँ की ड्यूटी ना किसी भी टाइम बंद नहीं होती है। मतलब कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हो। अब मैं सुबह के 5 बजे से उठी हूँ बट मेरी ड्यूटी अभी बंद नहीं हुई है। हस्बैंड लोग तो चलो एक प्रॉपर टाइम पर ड्यूटी करके फ्री हो जाते हैं और हम वुमेंस की ड्यूटी ना ऑल टाइम स्टार्ट रहती है। मतलब रात ना हो तो हम सारा दिन काम करें, हमारी ड्यूटी ऐसी होती है। और बिना पैसे वाली जिसमें आपको ना जरा सी पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है। हाँ होता है, बोलते हैं लोग सब तुम्हारा ही है बट फिर भी आप प्रॉपर एक ऐसा नहीं कि नहीं आपको लेना है, जब ज़रूरत होगी आप यूज़ करोगे बट एक प्रॉपर सैलरी तो नहीं मिलती है किसी भी औरत को। तो इसलिए कुछ सेल्फ डिपेंड होना भी ज़रूरी होता है। काम तो बहुत होते हैं बट ऐसे काम करो जिसमें आपको भी कुछ अर्न हो सके, कुछ आपकी इनकम भी हो। तो क्या है ना औरतों के लिए मनी जो होती है ना वो बहुत मेंटली थेरेपी होती है। तो अगर आपके घर में भी वाइफ है ना तो उनको एक मंथली वो मतलब मंथली बांध दो, उन्हें कुछ पैसे ज़रूर दो। अगर वो कुछ नहीं कर रही है, कर रही है तो बात अलग है बट अगर नहीं कर रही है तो आप अपनी घर की औरतों को ना ये ज़रूर किया करो कि ला के सैलरी उन्हीं को दो। फिर तो वो वैसे भी आपको बजट के हिसाब से ही खर्च करने को बोलेंगी तो आपका पैसा और डबल होता जाएगा, आपकी इनकम और बढ़ेगी। क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है ना, तो जिस दिन आप ये चीज़ सच में फॉलो करोगे और उनको सच में कहने के लिए लक्ष्मी नहीं मतलब आप उनको मानो भी, फिर देखना आपके घर में कितनी बरकत होगी। तो ये ज़रूर किया करिए आप लोग। तो मेरे जो भी भाई लोग हैं तो मतलब मेरी जो भाभियाँ होंगी उनके हाथ में पैसे ले जाके रख दिया करो और वो जो दे उस हिसाब से फिर आप खर्च किया करो। तो आज से मेरे भाई लोग यही करेंगे। फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा जो जो भाई लोग ऐसा करते हैं ना तो बताइएगा मुझे। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आप घर के काम करो, ठीक है वो तो हमें करना ही पड़ता है क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में जुड़ चुके हैं तो वो करना भी हमारा फ़र्ज है ना। ये चीज़ भी हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप इस गृहस्थ से जुड़ गए हो तो घर गृहस्थी को फिर बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो भी चलाना हमारा फ़र्ज है। रुकिए एक मिनट बात करो। तो शायद ये ग्रो हो जाता, बड़ों का थोड़ा अलग होता है ना, बच्चों का तो थोड़ा बहुत सारे नियम होते हैं तो वो सब पड़ जाते रीज़न। तो बैकग्राउंड में आपको मेरे प्यारे प्यारे से भगवान जी दिख रहे होंगे। ये मेरी माता रानी है, 9 देवियों का वो है। तो बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको बैकग्राउंड से दिखाऊंगी। मेरे प्यारे से राधा कृष्ण है, माता सरस्वती है, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं। तो देख रहे हो आप प्यारे प्यारे से भगवान जी हैं मेरे। तो सबसे जब आप तो यही वो जगह है जहाँ आपको जब कोई भी दुख हो कोई भी कष्ट हो ना तो यहाँ पे आ जाओ और भगवान जी के पास बैठ जाओ और अपनी सारी बातें उनसे कर लो। फिर देखना चमत्कार मैजिक जो भी है सब दिखेगा आपको अपनी लाइफ में। और सुबह उठ के तो कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं कि मतलब आप सुबह उठो नहा लो और भगवान जी से पहले जुड़ जाओ फिर सारे काम करो फिर देखो कैसे करिश्मे होते हैं। मेरे साथ तो प्रॉब्लम अभी ये है कि मेरी बेटी ऐसी है कि वो मुझसे भी पहले उठ जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाती। हाँ जब तक वो नहीं थी, बेटा बड़ा हो गया था तो मैं ये चीज़ कर पा रही थी और फिर से करूँगी जैसी मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी तो जब टाइम मिलता है तभी कर पाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ही रेगुलर होते हैं, वो मतलब भगवान जी में वो भी काफ़ी आस्था रखते हैं ना तो वो रेगुलर पूजा करके ही बाहर जाते हैं, कितना भी टाइम लगे बट वो एक प्रॉपर टाइम पे पूजा करते हैं। और देवी जी के ना हमारे घर में सभी भक्त हैं, माता रानी की बहुत कृपा रही है हमारी लाइफ में। तो चलिए मैं बैकग्राउंड से अपना मंदिर दिखाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ बैकग्राउंड से, अभी तो ये फ्रंट वाला है। चलिए बैकग्राउंड से, बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है और प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिएगा।
मेरी बड़ी वीडियो शायद किसी को अच्छी नहीं लगती और वो इतनी नहीं चल पाती, शायद मैं बहुत बातें करने लग जाती हूँ फिर लोग बोर हो जाते हैं। तो आज मैंने छोटू सा ही ब्लॉग बनाया और छोटे से ही बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करिएगा और स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर और नए नए कंटेंट के साथ आएंगे। जैसे टीचर्स डे आने वाला है, टीचर्स डे तो कल ही है, तो उसके ऊपर अभी मेरा बेटा एक ब्लॉग बनाएगा, शायद शाम को मैं वो वीडियो डालूंगी। उसने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है डॉक्टर राधा कृष्णन का, जिनके बर्थ में ही टीचर्स डे मनाया जाता है, तो बहुत अच्छी सी उनकी ड्राइंग बनाया है, स्केचिंग किया है, तो डालूंगी। और तीज आने वाला है तो तीज स्पेशल ब्लॉग आएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके बाय।